given by pi equal to ea cos theta. Pi equal to ea cos theta. है ना? तो right unit of electric field and unit of area. Unit of electric field क्या होता है? Unit of electric field is newton upon coulomb. है ना? Newton upon coulomb. ये होता है? और area की unit क्या होती है? Meter square. Unit of area क्या होता है? Meter square. है ना? Cos theta trigonometric ratio है. Trigonometric ratio are dimensionless, unitless. They are ratio of same principal quantity. Name. So they have no unit, no dimension. ठीक है? इनका कोई unit dimension नहीं है. इसलिए वो हम देगा. ठीक है? अब इसको simplify कर लीजिए. क्या मिलेगा? Newton meter square coulomb minus one. तो SI unit of electric flux is Newton meter square coulomb minus one. है ना? अच्छा. Field की एक दूसरी unit भी होती है. फील्ड इज इक्वल टू प्रूव करेंगे नेगेटिव डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स होता है. नेगेटिव ग्रेडिएंट का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या कहलाते हैं? फील्ड कहलाते हैं. इज इक्वल टू फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है. और डिस्टेंस की यूनिट मीटर. तो यहां से फील्ड की यूनिट क्या बनेगी? वोल्ट मीटर माइनस वन. वोल्ट मीटर माइनस वन. ठीक है? तो ये यूनिट बना कर रखेंगे. अगर फील्ड की दूसरी यूनिट यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू ईए कॉस थीटा है. है ना? अब फिर की दूसरी यूनिट यूज करिए. वोल्ट मीटर माइनस वन. मीटर माइनस वन. वोल्ट मीटर माइनस वन इंटू मीटर स्क्वायर. ठीक है? इंटू कॉस थीटा. डायमेंशनलेस यूनिटलेस कौन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर माइनस वन प्लस टू. ठीक है? क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर प्लस वन. तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस वन आर वोल्ट मीटर. है ना? इस तरह से एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस वन आर वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर. ठीक है? तो जनरली होगी. चलिए कॉपी कर लीजिए.